Hello friends, today I'm back with a new topic. What is that topic? Difference between financial accounting and management accounting. चलिए शुरू करते हैं एकदम फुर्ती और जोश के साथ. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. नाम से तो बहुत समझ में नहीं आता क्योंकि फाइनेंशियल में अकाउंटिंग भी जुड़ा हुआ है और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है. दोनों ही फ्रेजेस में अकाउंटिंग वर्ड तो आ रहा है लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से एकदम अलग है. नाम से तो ये दोनों जुड़वा भाई लगते हैं बट ये किसी भी एंगल से जुड़वा भाई नहीं है. चलिए शुरू करते हैं. पहले शुरू करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से. मैनेजमेंट अकाउंट क्या है, इस फील्ड में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग से रिलेटेड है. कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है. इनफैक्ट स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट उससे रिलेटेड है. ये SCM जिसको बोलते हैं. देखिए ये कॉस्टिंग जो है इसे क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं इन कंपनी के जो सर्विस प्रोवाइड अगर कंपनी करती है या फिर कंपनी अगर कोई टैंजिबल प्रोडक्ट सेल करती है तो उसके क्या कॉस्ट हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज क्या है, कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस और उसी के बेसिस पे स्ट्रैटेजी को बनाना और स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना, वही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ है. तो सही मायने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, उस फील्ड से जुड़ा हुआ है. एक है अकाउंटिंग को हम दो तरह से समझ सकते हैं. मैं आपको और ज्यादा समझाना चाहती हूँ इस बारे में ताकि ये आपको क्लियर हो जाए. अकाउंटिंग जो वर्ड है ये अब दो पर्सपेक्टिव है इसके. अकाउंटिंग एक फील्ड है जिसमें अकाउंटेंसी आता है और दूसरा अकाउंटिंग है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं. यू आर अकाउंटेड, यू आर अकाउंटेबल टू द कंपनीज रिजल्ट, यू आर अकाउंटेबल टूवर्ड्स योर स्टेक होल्डर्स. वो अकाउंटिंग, वो अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है. इसीलिए ये वर्ड अकाउंटिंग यूज होता है कि जो जो कॉस्टिंग, जो कॉस्ट की एनालिसिस होती है उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटेबल है. कंपनी में जो प्रोडक्ट के जो कॉस्ट है, कैसे कॉस्ट रखे, कितना कॉस्ट पे हम प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटेबल है. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों में क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटेंसी से, प्योरली अकाउंटेंसी से जुड़ी हुई है. जैसे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा एटसेट्रा. दूसरा इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी और एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स. जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये इंटरनल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी से जुड़ी हुई है. आप जानते हैं कि कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है प्रोडक्ट बनाने में, फैक्ट्री में कितना खर्चा आया, ये क्या कंपनी कभी पब्लिश करती है? कभी पब्लिश नहीं करती. तो ये इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी के. और एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जुड़े हुए हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बाई प्रोडक्ट जो होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की, जिसमें बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है. दूसरा पॉइंट, जो इंटरनल रिकॉर्ड्स है, आप नाम से समझ रहे हैं इंटरनल रिकॉर्ड्स, कंपनी के प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया, क्या ये कंपनी कभी पब्लिश करेगी? नहीं, कभी पब्लिश नहीं करेगी. एक्सटर्नल पार्टीज को बताएगी? कभी नहीं बताएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जान जाएंगे तो उसके बिजनेस सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे, इसीलिए ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं. लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट, वो ओपन होते हैं. आप कोई भी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मिल ही जाएंगे, पर्टिकुलरली लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक कंपनीज, तो इसीलिए ये ओपन टू पब्लिक है. चौथा पॉइंट, इसमें होता क्या है? बजटिंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्राइमरी फोकस होता है स्ट्रैटेजी मेकिंग और स्ट्रैटेजी को अलाइन करना कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव से. और दूसरा बड़ा काम होता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. पहले कॉस्ट रिडक्शन होता था, अब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, मतलब ऑप्टिमम लेवल पे खर्चों को रखना. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंपनी कितना प्रॉफिट कमा पाई या फिर कितना नुकसान उसे खाना पड़ा वो पता चलता है, उससे उसकी बारे में जानकारी होती है, उसे देखा जाता है. इसीलिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम कंपनी
कंपनीज ऑपरेशंस के बारे में हमें और जानकारी मिलती है। आखिरी पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, शेयर प्राइस जो होते हैं कंपनी के उसमें क्या प्रभाव होता है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग शेयर प्राइस से कैसे जुड़ी हुई है। अब देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंपनी के अंदर ही अंदर चलती है, इसका बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ फील्ड जो है उस हिसाब से शेयर प्राइस को इंपैक्ट नहीं करती। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप जानते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करते हैं कंपनी के, और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश हो जाते हैं बीएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, या एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, तो इन्वेस्टर्स उनको पढ़कर रिएक्ट करते हैं। अगर डिविडेंड्स कंपनी ने डिक्लेयर कर दिए, पे कर दिए, तो शेयर प्राइस बढ़ जाता है। डिविडेंड्स नहीं किए तो शायद शेयर प्राइस पर एडवर्स इफेक्ट होता है या नहीं भी होता है, अगर कंपनी के पास कोई और अच्छा प्रोजेक्ट है फ्यूचर में करने के लिए। तो इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कंपनी के शेयर प्राइस को। इसलिए आप सुनते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स को विंडो ड्रेस कर दिया, मतलब बाहर से सजा दिया ताकि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे मालूम हो, लेकिन अंदर कंपनी के रिजल्ट सच में इतने अच्छे नहीं थे और शेयर प्राइसेस बढ़ गए, शेयर प्राइसेस इन्फ्लेट हो गए। बाद में जब फ्रॉड का पता चला तो शेयर प्राइसेस एकदम धाम से गिर गए। इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो पावर है कि वो शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये इम्पैक्ट नहीं है। सो आज हमने देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है। आई एम श्योर दोस्तों कि आपको समझ आई होगी। देखते रहिए ये वीडियोस, फिर मिलेंगे। टिल देन सी यू।